तो फिर हम चलते हैं झांसी का किला दिखाने के लिए। ये झांसी के लिए का सेकंड गेट है, और आप लोग देखिए कितना मजबूती मजबूत गेट है, कितना मोटा मोटा सरिया का गेट बना हुआ है, और बहुत बड़ा गेट है। देखिए आप लोग, तो चलते हैं हम आगे। हम आप लोगों को ये देखिए दरवाजे के दोनों तरफ का सीन दिखा दे रहे हैं, हम आपको पूरा किला दिखाएंगे कैसा लगता है। तो चलिए हम आप लोगों को तोप दिखाते हैं। ये देखिए तोप, इस तोप में बारूद भरकर हवाई फायर किया जाता था। कब किया जाता था? राजाओं के स्वागत के आगमन के लिए, जब उनका स्वागत किया जाता था तब इसमें विस्फोटक पदार्थ भरकर हवाई फायर किया जाता था। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। अंग्रेज भाग गए हैं, अब कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें बस बस गोला भरने की, पानी यानी भरा है इसमें। तो हम लोग चलते हैं आगे, और भी कुछ दिखाते हैं अच्छा खास का है जगह। अभी तो ये स्टार्ट है वीडियो का। ये देखो ये मैडम कहाँ से उतरती चली आ रही है। और आज का मौसम भी इतना अच्छा है कि बहुत मज़ा आने वाला है, और कोई पसीना वसीना नहीं, ना मेकअप की ज़रूरत पड़नी है मुझे, ना बार बार मेकअप करना है, बस इसी में काम चलने वाला है एक ही बार मेकअप में। और हम चलते हैं आगे। रात में तो और मज़ा आता है, रात में अंधेरो रात हो जी। ये कहाँ के लिए रास्ता गया है और ये कहाँ के लिए गया है, अभी तो कंफ्यूज हूँ, अब घूमूंगी तब बताऊंगी। और ये रास्ता यहाँ पे क्या चीज़ है, और कोई खड़ा है वहाँ पे ऊपर, हम कह रहे हैं मूर्ति है, तो वो आदमी खड़े चार पांच। ये भैया लोग जा रहे हैं, हमारे सब देखने आए। अरे यहाँ पे बढ़िया फूल उल लगा है, बढ़िया मस्त। वो दिख रहा है तिरंगा, वो तिरंगा दिख रहा है आप लोगों को कितना ऊपर लगा है। और हम पास से भी दिखाने वाले हैं तिरंगे को, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखिए आप लोग, ये हमारी पत्थर को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी करा था, ये हमारी झांसी की रानी है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। देखिए आप लोग झांसी वाली रानी, पूरा सिटी दिख रहा है, बहुत बड़ा है झांसी। देखिए हम लोग, और ये देखिए हम लोग पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से बहुत ऊपर। हम लोग आ चुके हैं, देखिए आप लोग ये पूरा झांसी सिटी है, और यहाँ से पूरा दिख रहा है झांसी। देखिए आप लोग बहुत दूर दूर तक घर दिख रहा है, और ये लोग फ़ोटो अपना शूट कर रहे हैं। इन लोग सभी लोग अपना अपना कैमरा लिए अपना अपना फ़ोटो खींच रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे के लिए। ये कहाँ रखे कैमरा, लाइट ये देखिए तिरंगा यहाँ पे।
कहाँ से? अच्छा गोल्ड देखिए कितना ऊपर आ गए हैं हम लोग। और ये देखो अपना तिरंगा। हाँ ये तिरंगा है। यहाँ पे हर 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है, 15 अगस्त को भी। ये देखो पूरा झांसी दिख रहा है। ये सारा जी खड़ी हैं देखो, ये उनके पीछे तिरंगा है। लो ध्यानचंद की मूर्ति दिख रही है। खूब बड़ी मर्दानी थी वो तो, झांसी वाली रानी थी। उनकी यादें आज तक भी जिंदा है। उनके किले में आए हम लोग घूमने तो यादों का बहुत याद है उन। देखने आते हैं यहाँ पर। खाए कर भैया। करो ये घूमने आए हैं। चलो ये देखो, बहुत छोटा छोटा दरवाजा बना है। इनमें सैनिक खड़े रहते थे बहुत। हाँ सैनिक खड़े रहते थे हर रास्ते में। हाँ हर पूरे रास्ते में सैनिक रहते थे, ऊपर से नीचे तक। यहाँ भी सैनिक खड़े रहते थे। यहाँ पे पूरा ये बना है देखो, बंदूक चलाने के लिए ये बना था। यहाँ पे सैनिक छुपते थे और यहाँ से इसमें से गोली मारते थे बंदूक। ये बंदूक मारने के लिए बना है पूरा। ये जितना ये दिख रहा है आप लोगों को, 6 दिन से बंदूक मारते थे। ये जितना सारा ये छेद दिख रहा है, यहीं से देखते थे और यहीं से बंदूक मारते थे। ये देखो पूरा आसपास के लेके पूरा ऊपर जितना सैनिक रहता था अपने झांसी की रानी के किले के ऊपर, जो रक्षा करता था वो यहीं पे रहता था और यहीं से पूरा रक्षा करता था और यहीं से बंदूक रखे रहते थे और यहीं से उड़ा देते थे। डिशके बढ़िया हवा चल रहा है। मौसम देखिए एक नंबर मौसम है। देखिए हमारा देश का झंडा वंदे मातरम। कुलदीप भाई हैं ये, हमें घुमाने लाए हैं। ये हमारे मौसी जी के लड़का हैं, मेरा भाई छोटा। हम लोग आए हैं घूमने। तो कैसा लग रहा है तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम तो पहली बार आए। आप तो बहुत बार आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बार आ चुके हैं। यहीं पे तो रहते हैं पास ही में। कहाँ पे? स्कूल की दृष्टि से थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक। ये देखो ये तारा क्या कर रही हैं, देख रही हैं बंदूक कहाँ से घालते। देखिए देख रही हैं ये बंदूक कहाँ से घालते। यहीं से घालते थे बंदूक ना, यहीं से बैठ के धा 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 धा।
जब किले पे कोई करता था ना चढ़ाई, रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, वो छोटा दिख रहा है, वो टंकी दिख रहा है ये सामने, ये सामने वो बुल लोग बैठे हैं। एक ये भी पार्क है, एक ये भी पार्क है, ये देखो कितना अच्छा नीचे बन गया। देखिए आप लोग भी घूमने आइए यूट्यूब पे, देखने से क्या होता है, मज़ा तो वही है जब यहाँ पे घूमने आओगे। देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, पूरी झांसी दिखती है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखता है पूरा चारों तरफ, बिल्कुल एक तरफ था। दिखाएंगे हम आपको, देखो ये देखो ये पूरा सिटी दिखाएंगे, पूरा दिख रहा है, ये देखो पूरा सिटी दिख रहा है, ये देखो तारा जी का फेस आ गया बीच में, देखो ये देखो पूरा सिटी झांसी, ये अपना झांसी का तिरंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को वहीं पर तात्या गुरु सिखाते थे रानी लक्ष्मीबाई को तलवार चलाना, रानी लक्ष्मीबाई तलवार चलाती थी वहीं पे। वो ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं। हाँ चलते हैं अब हम। तारा जी कहाँ रह गई हैं, दिख तो नहीं रही हैं, वो आ रही हैं। देखिए देखिए तारा जी यहाँ पे वो अकेले अभ्यास करती थी रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है छोटा, वहाँ पे जो दिखाया है वहाँ पे तात्या गुरु सिखाते थे, यहाँ पे वो सुबह उठ के अकेले ही यहाँ पे वो प्रैक्टिस करती थी यहाँ पे। हाँ यहीं पे इसी ग्राउंड में करती थी वो प्रैक्टिस, तलवार चलाना यहीं से सीखी थी, और तात्या गुरु उनके गुरु जी थे तो उन्होंने ही सिखाया था। बहुत गलत लहरा बड़ी की मस्त आड़ी में। ये देखिए यहाँ पे जो कारागार दिख रहा है आप लोगों को, हम दिखा रहे हैं नीचे जाके आपके, इनमें उनको बेड़ा जाता था, जो छोटे छोटे जो अपराधी लोग रहते थे और जो अपराध करते थे उन लोगों को यहीं पे दंड दिया जाता था। ये क्लोज है, अभी जाने का रास्ता नहीं है, और नीचे फंस गया है वो तो यहाँ पे बंद है, अब हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहीं पे नीचे दरवाज़ा दिख रहा है, ये देखिए आप इसी के अंदर था। अरे चलो बंद का है, बंद है नहीं जा सकते इनको बोल रही है, हमें कारागार घूमना है देखना है और हमें उसमें जेल में बंद रहना है। ये अपने कुल्ली भाई जा रहे हैं, कुलदीप ये मैडम है हमारी, लगा ला कि एक देखिए फ्रेंड है। ये देखिए ये पूरा छेद बना है, इसी में से सैनिक लोग यहीं पे खड़े रहते थे और यहीं पे देखते थे और यहीं से बंदूक चलाते थे, यहीं से देखिए तोप बंदूक आपने फिल्म में देखा होगा। देखिए जो अपना झांसी की रानी जो अपना सीरियल आता है तो उसी में ये दिखाए होंगे, इसी में यहीं पे सैनिक खड़े रहते थे और वहीं पे तोप वोप चला, ये देखो यहीं से तोप वोप चलाया जाता, सैनिक यहीं से देखते थे, पूरा जितना दृश्य है देख दिखा रहे हैं हम आपको, यहीं से छेद है यहीं से, और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, रानी लक्ष्मीबाई यहीं पे ढारती थी। हाँ नीचे देखो, ये देखो शंकर जी का मंदिर दिखाएंगे अभी नीचे से दिखाएंगे, गाइस आप देखते रहिए पूरा दिखाएंगे। आपने सीरियल देखा है उसी में ये मंदिर भी दिखाया जहाँ से की रानी जाती हैं और यहीं पे वो बहुत आपको सब कुछ दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे वीडियो में। आप लोग देखिए यहाँ पे एक साथ में दो दो तोपें खलती थी, इसमें ऐसे देखिए एक ये है और एक यहाँ है सीधी दो और एक नीचे से भी रास्ता दिया है ये यहाँ पे देखने के लिए अंग्रेजों को। लोग देखिए इसमें से और यहाँ से ये लोग यहाँ पे देखते थे अंग्रेजों को। वो मंदिर दिख रहा है नीचे रानी लक्ष्मीबाई का, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग
देखिए आप लोग, एक गेट है यहाँ, खोल के देख लेते थे पूरा। इस गेट को, ये गेट लगा है, इसको खोल के देख लेते थे यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है हमला करने के लिए। देखिए आप लोग, दूरसन दिखाओ करो, दूरसन दिखाओ करो, क्या कहते हैं ये तो खड़े जाते थे सीरियल में देखा है। ये सभी लोग अपना अपना वीडियो को शूट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे शायद फांसी की सजा दिया जाता था ना, यहाँ पे नहीं अलग है। ये किस लिए है? आप लोगों को हम दिखाएंगे फांसी का सजा कहाँ देते थे आप। और ये क्या है? ये आने जाने का गुप्त रास्ता है। हाँ, ये गुप्त रास्ता है आने जाने के लिए। दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, कैमरा से दिखा दे रहे हैं। देखिए हम लोग, ये आने जाने का एक गुप्त रास्ता है। एक ये है और एक ये है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है। चलो चलते हैं आगे। अब चलते हैं, ऊपर नहीं चल रहा है। चलो आगे से उतर। बहुत बड़ा किला है, अभी हम लोग नीचे आ गए। हाँ, आमोद बाग, आमोद बाग है, फांसी घर है आगे और शंकरगढ़ मंदिर है। अब इस रास्ते से हमें तीन जगह मिलेगा, ये आमोद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। कौन सी बद्री की धुनिया फिल्म? झांसी की। हम लोग इधर से उतर के आए हैं, हम लोग इस रास्ते से आए हैं नीचे, इस रास्ते से नीचे आए हैं और हमें यहाँ जाके आगे चल के तीन रास्ता मिलने वाला है। और यहाँ से गुफा गई है ग्वालियर के लिए, ताला लगा है। हाँ, यहाँ से गुफा ग्वालियर के लिए गई है, इसमें घुसने नहीं देते अंदर। अंदर आओ दिखाएं ग्वालियर के लिए। ये दिख रहा है आप लोगों को, किसी के अंदर से गुफा ग्वालियर के लिए गई है, नीचे नीचे गुफा है। अच्छा, बहुत पुराना गेट है तो थोड़ा देखो सेफ्टी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये टूट गया है। बहुत पुराना मजबूत है। और ये गुप्त रास्ता कहाँ कहाँ से रास्ता है? अंदर है बहुत सारा रास्ता, अंदर है जाने के लिए। यहाँ पे भी पंताला लगा है, तो बंद है। यहाँ पे क्या है ये? लेकिन यहाँ बंद है ताला वाला, तो ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा इसमें ला रहा है। लेकिन यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं है। देखिए हम लोग कैमरा मोबाइल को अंदर करके और दिखा दे रहे हैं आपको। चलो चलते हैं और भी जगह। गेट है,
चूहा बोल रहा है इसमें, चूहे का बहुत आवाज़ आ रहा है और स्मेल भी आ रहा है। यहाँ पे साफ़ सफाई बंद है, ये ताला डला हुआ है तो यहाँ साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल, और यहाँ अंदर चूहा बोल रहा है और अंदर परमिशन नहीं है जाने की, साफ़ सफाई भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। चलो चलते हैं हम आगे। ये गेट देखो आप लोग, भगवान हम दूसरी बार गेट अंदर गेट में आ चुके हैं। इतना ऊंचा, हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं अभी और हम और भी नीचे जाएंगे अभी। ये देखिए फ्रेंड कितना आलीशान ये पार्क है, छोटा सा। यहाँ पे देखो कुर्सी रखा है, कोई अब समय बदल चुका है, मतलब ये 2022 है तो यहाँ पे जो भी नेता आता है चेंज हो चुका है बहुत, मतलब बंगला किला तो वैसा ही है जो यहीं। देखिए फांसी गिरा, फांसी गिरा दिखाएंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि फूल पत्ती तोड़ना व घास का चलना मना है। यहाँ पर फांसी दिया जाता था, अब देखिए ये फांसी घर है, इसमें फांसी दिया जाता था। यहाँ पर कैसे फांसी देते थे, कहीं पे फांसी दिया जाता था। देखिए यहाँ पे इधर उधर गार्ड खड़े रहते होंगे और बस लट गया दिया जाता होगा, और क्या है? इनको लगा के दिखाएं फांसी, तारा को, तारा तुम्हें फांसी लगा के दिखाएं आपके फ्रेंडों को, आता है आता है। यहाँ इस साइड और इस साइड गार्ड खड़े रहते होंगे और यहाँ पे कुछ सिस्टम हुआ होता होगा, लटका दिया जाता होगा, क्यों ये पूरा देखो आपको दूर से दिखाएंगे। ये पूरा थोड़ा वैसा साइड वैसा है, ये फांसी गिरा है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे फांसी दी जाती थी, और यहाँ पे लिखा है कि नीचे शंकर जी का मंदिर है, तो आपको शंकर जी का मंदिर दिखाएंगे। शंकर जी की वो भक्त थी, बहुत जब हम सीरियल क्या है अपन लोग जब सीरियल देखते थे बहुत आनंद आता था फ्रेंड, इतना मज़ा आता था। आज रियल में देख रहे हैं हम किला, झांसी का किला रियल में देख रहे हैं, तो हम लोगों को वही महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है, एक नंबर फीलिंग आ रहा है और घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं भाई घूमने के लिए, हाँ आप लोग भी घूमने के लिए कभी यहाँ पे झांसी में, यहाँ पे बद्री की दुल्हनिया फिल्म भी बनी है। अच्छा बद्री की बद्री की दुल्हनिया वरुण धवन आलिया भट्ट की, आपने देखी होगी, उसमें सीन भी है, गाना है उसका, देखना आप लोग, मस्त लगता है। आप कभी घूमने भी आना है यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए हम अब पहुँच चुके हैं महारानी लक्ष्मीबाई के मंदिर में। हमारी महारानी लक्ष्मीबाई इसी किले में पूजा पाठ किया करती थी। देखिए आप लोग यहाँ पे बोर्ड भी लिखा लगा है और उनके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा है। जूते चप्पल बाहर उतार, तो हम लोग जाते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप लोग देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का मंदिर है ये। महारानी लक्ष्मीबाई इसी मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी।
हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ शिव जी का मंदिर है और हनुमान मंदिर है। देखिए ये शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। इस तरफ यहाँ शंकर जी गणेश जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं हम अब कुआ दिखाने के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई किस कुएं का पानी पिया करती थी। चलते हैं हम कुआं देखने के लिए। पूरा कुआं को देखो, पूरा ढक दिया गया है क्योंकि कुआं पूरी तरह से टूट चुका है और तो उसके लिए ऊपर से ढक दिया गया है। चलो हम आप लोगों को पास से भी दिखा देते हैं। जितने सैनिक रहते थे इतना बड़ा किला है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बैठते थे। चलो ऊपर चले, अच्छा लगता है। ये क्या है अभी? बहुत बड़ा है भाई किला, ये देखो बहुत हैवी किला है भाई। लोग खुले खुले पूरा सिटी दिख रहा है, झांसी का, ये झांसी का किला। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता है, और भी ऊपर चढ़ के देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं अभी। ये क्या है? चलो देखते हैं क्या है अभी। ये क्या है नहीं पता मुझे, पहली बार आई हूँ। तो यहाँ से देखो ये क्या है इसमें। मोड़ा कह रहा है मगर हम देख नहीं पाए थे। मोबाइल पुआ ला तुम दो मोबाइल पकड़ो। क्या कर रहा? कहाँ जा रही हो तारा? कूदने लगने वहाँ भी ऊपर से।
कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती हैं घूमने। पुराने जमाने के घर हैं। हम तो नहीं चढ़ा रहे, गिर पा रहे बस। अब बना देखो शॉर्ट वीडियो, इतने लोग जा रहे घूमे। ओ तारा इतनी ऊंची पे क्या कर रही हो तुम, गिर जाओगे, आओ नीचे। सही है। ये क्या है, इसको खोल के देख ले, डर लग रहा है। क्या है ये, क्या है और किस लिए है मुझे नहीं पता। आप लोग बताना कमेंट में, आप लोगों को समझ में आ रहा है होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बताना क्या है। शायद तोप उप रखने वाला जगह हो इसमें बंदूक। इसको लगा देते हैं, यहाँ से भी जगह है चारों तरफ से। ये क्या है, इसको शायद बंद हो गया है। चारों तरफ से तोप मारने के लिए जगह है, एक खिड़की है, कहीं से भी अंग्रेज चढ़ नहीं पाते थे। देख रहा है आप लोगों, तोप रखा है, वो तोप रखा है वहाँ पे। देखो पूरा में छेद ही छेद है। यहाँ अंदर में क्या है, एक यहाँ से भी खिड़की है। और हम लोग आगे चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो? चल रहा है जी का मंदिर देखने। डांस तोप रखी बहुत बड़ी बड़ी, तुमसे भी बड़ी। इनसे भी बड़ी तोप रख। और हम सेल्फी खींचेंगे सीढ़ी पे बैठ के। पता नहीं क्या हुआ? अब हम लोग घूम चुके हैं किला को और अब वापिस आ चुके हैं। कड़क बिजली तोप दिखाएंगे अब आप लोगों को। कड़ाके बिजली तो ये देखिए आप लोग।
ये तोप है। इतना बड़ा लोहा कहाँ से आया हो? बनाई है तोप है। फट गई तो फट गई। कोई न लेगा लोहा को ले लेगा। हाँ काटी है थी कौन दो जो तो काटी हाँ काटी है। हम कहने का काट जाएगा तुम मामले में आंख गोले फंसा जाएगा। मम्मी मेरी बात सुनो। गोला फंसे ये तो बड़ा गोला हो जो तो मुझे कम से कम 15 किलो को 15 किलो को होए जवा देंगे होए। कड़क बिजली तो ये देखो कड़क बिजली तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सतरस है तथा इसके नेत्र एवं भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तो बिजली से कड़क उत्पन्न करती थी संभवतः इसलिए इसे यह नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों एवं रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर गुणित 1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को अंतर गुलाम गौस खां को गुलाम गौस खां ने तो तोप लाओ गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। तुमने फोटो ही नहीं खिंचवाया भाई। यहाँ पर एक तोप और है। यहाँ पे आगे चल के 3 जगह और मिलने वाली है। गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बरादरी आगे इस रास्ते से चलिए। यहाँ पे रानी की वो बैठती थी सखियाँ। गणेश मंदिर आ गया है, भवानी शंकर तोप भी आ गए हैं। एक गणेश भवानी शंकर तोप है, गणेश मंदिर है ऊपर तो रखी। चलो चप्पल उतार के हाँ चलिए चप्पल उतार। एक गणेश मंदिर है और ऊपर हम चल के दिखाते हैं आप लोगों को तोप भवानी शंकर तोप। गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे सांप आप बैठा होगा पुराने जमाने का तो खा लेगा आपको। हम पूरी रात फिर 2 घंटा। ओहो भाई ये भी बहुत बड़ी तोप है। उतनी ही बड़ी है क्या? ये देखो पूरी सारी तोप है। ये पूरी साजी तो बहुत बड़ी भी है। इसमें गोला नहीं लगा, उसमें गोला लगा था। यहाँ से गोला लगता है आग को। आग लगा फिर जब झाँक धस नहीं आती है जब ही नहीं आ गया। कैसे बनाई होगी यार ये? पुराने जमाने में भी फैक्ट्रियाँ होती थी।
हाथ गणेश जी बना, हाथी बना है उसके ऊपर। बहुत बड़ा किला है भाई, घूमते आप लोग देखिए। और हमने आपको पूरा किला घुमा दिया है और देखिए ये तो भी यहाँ पे रखा है। और आप लोग आइएगा जरूर एक बार किला घूमने के लिए। और महारानी लक्ष्मीबाई की यादें यहाँ जैसी हैं वैसी ही सभी मौजूद हैं। और यहाँ के कुछ गृह मतलब कुछ गेट दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है, तो हम लोग नहीं घूम सकते हैं। हर किसी को परमिशन नहीं है, तो ताले पे मतलब दरवाजे पे ताला डला हुआ है, तो हम लोग और भी जगह नहीं घूम सकते हैं। और जितना जितना है पूरा तो हमने आपको दिखा दिया है वीडियो में। और आप लोग भी आना घूमने के लिए। देखिए तो रखा है यहाँ पे। टिकट कितना है यहाँ पे? मात्र 25 रुपये। अच्छा, बस स्टैंड से कितना लगता है? 20 रुपये किले के लिए। और यहाँ पे आने पर जो आप बैग लाओगे वो जमा हो जाता है? वो अंदर जमा हो जाता है, हमने वीडियो में दिखा दिया है, पहले बता दिया है। यहाँ सामान को जो भी बाहर जमा कर लेते हैं, अंदर लाने नहीं देते हैं, लाने देते हैं अंदर। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ झांसी की रानी नृत्य करती थी डांस। हिंदी में बोले तो नृत्य बोलते हैं और इंग्लिश में डांस। दरवाजे कितने हैं? कोई गिनती नहीं है दरवाजे। ये गेट 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 पुराने जमाने का भाइयों, ये देखो गेट बाप लकड़ी का है, रियल लकड़ी। देखो खिड़की, ये गेट है छोटा, इन पे खुल नहीं रहा है। देखिए देखिए तारा जी खोल रहे हैं, इन पर खुल नहीं रहा है। देखो पूरी ताकत लगा रही हैं, पर ये गेट इतने बड़े बड़े हैं कि सैनिक लोग यहीं पर खड़े रहते थे। और ये वही वाला गेट है जो आपने झांसी की रानी सीरियल में देखा होगा, बहुत आनंद आता था। इतना बड़ा बड़ा गेट देखिए आप, ये लकड़ी का गेट है, इसमें छोटा सा दरवाजा है, बेहतरीन। पहले पुराने ज़माने के गेट ऐसे ही रहते थे, ये टूट गया होगा, फिर ऊपर ऊपर ये लकड़ी जुड़वा दिए हैं, ये दिख रहा है अलग। और ये वाला पूरा स्वागत है, मतलब इसमें पुराने ज़माने का अभी तक कितना साल हो गया, कितना पुराना लकड़ी हो गया, ये देखिए आप लोग, ये अभी तक सही है। इस साइड का थोड़ा टूट गया होगा तो फिर से बनवा है। आप लोगों ने झांसी की रानी सीरियल में देखा होगा, यहाँ पे झांसी की रानी नृत्य करती थी। यहाँ पे ये देखो राजा गंगाधर राव द्वारा यह बरादरी अपने भाई की। ये देखो यहीं पे डांस करती थी बरादरी, तो है बरादरी। ये देखो पुराने जमाने की है, क्या सीन है। ये पूरा खुलका खुलका क्या है, देखो
अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन है यहाँ पे, देश द्रोही दुल हाज राज जनरल कैनिंग से रिश्वत लेते हुए ओरछा गेट, ओरछा गेट है ये गेट, ये ओरछा गेट लिखा था है ओरछा गेट। हाँ, ये गेट ये क्या बना दिए अंदर, यही गेट बना गया, यही है ना? ये जो इधर इधर ये गेट बना, अच्छा ये यही बनाया, अच्छा ये ओरछा गेट है। तलवार रखी है, तोपची को किला तोड़ने का आदेश देते हुए जनरल हाउ रोज, एक किला तोड़ने का आदेश दे रहा है यहाँ पे तोपची को, देख रहे हैं आप लोग, एक किला तोड़ने का आदेश दे रहा है यहाँ पे, और ये रिश्वत लेते हुए देश दूल्हा राज रिश्वत ले रहा है, इसने ओरछा का गेट खोला था, इसीने इसने तो खुला था ओरछा का गेट युद्ध के समय, और यह युद्ध हो रहा है झांसी की रानी, देखिए आप लोग ऊपर वो मरा पड़ा है नीचे एक सैनिक अपना, और ऊपर तो मूर्ति अंदर बनाना थी, यहाँ पे तिलक हो रहा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई ऊपर हैं, वो देख रहे हैं यहाँ वो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, ये युद्ध चल रहा है यहाँ पर, और एक सैनिक वहाँ मरा पड़ा हुआ है ऊपर में, और रास्ता होगी अच्छी देखने के लिए, लेकिन यहाँ ताला डला हुआ है, यहाँ से चले जाते अंदर, देखिए आप लोग, दिखा देते हैं आप लोगों को, ये तलवार है, और ये देखो आप लोग, ये तोपची को किला तोड़ने का आदेश देते हुए जनरल हाउरोज, ये जनरल हाउरोज है, ये तोपची को किला तोड़, ये आग लिए हुए है हाथ में, और ये तोप है, और ये किला तोड़ रहा है, झांसी का किला तोड़ रहा है ये, और ये तलवार है, दुलराज है ये दुलराज है, और ये अंग्रेज है, ये रिश्वत दे रहा है, इसने रिश्वत ली थी,